टू माई चैनल एंड व्लॉग्स। मैं हूँ नेहा और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आई हूँ एल चिको के रूफ टॉप रेस्टोरेंट में, जिसका अभी अभी रेनोवेशन हुआ है। तो एल चिको यहाँ का बहुत ही प्रोमिनेंट होटल है प्रयागराज का, बहुत फेमस है अपने खाने के लिए और अपने नॉनवेज के लिए, चाइनीज़ के लिए। पर यहाँ पे अभी रिसेंटली इसका रेनोवेशन हुआ है तो बहुत ही खूबसूरत बन गया है ये। तो यहाँ पे चलती है नीचे बेकरी और उसके ऊपर वेजी वेज है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन आइटम मिलेगा। और सबसे ऊपर उन्होंने रूफ टॉप बनाया है, ओपन रेस्टोरेंट है जहाँ पे आपको नॉन वेज की सारी डिशेस, सारी कुजीन मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक लुक दिखाती हूँ होटल का। यहाँ का एम्बियंस बहुत ही गजब है। मतलब आपको यहाँ पे बैठ के ऐसे लगेगा कि दिल्ली आ गए हो, दिल्ली की फीलिंग आ रही है, दिल्ली के पब्स या डिस्कोज में जैसे, या वहाँ के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं हाई एंड रेस्टोरेंट्स, वैसे ही आपको फीलिंग आ रहा है। यहाँ से आपको पीछे पूरा शहर दिख रहा है, आप पीछे पूरा शहर देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे आप पूरा शहर का व्यू ले सकते हैं। इट्स टू गुड। मस्ट विजिट रेस्टोरेंट है ये प्रयागराज का, बहुत ही फेमस है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, 1966 से ये रेस्टोरेंट यहाँ पे रन कर रहा है, तो काफ़ी फेमस है। प्लस अपने कुजींस के लिए जाना चाहता है, काफ़ी कुछ यहाँ पे सर्व होता है और बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलिशियस है। हमने भी अपना खाना ऑर्डर करा हुआ है, अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो अगर आप प्रयागराज में हैं तो एक बार एल चिको में आना ज़रूर बनता है, और आप हमें बताइएगा कि आपको यहाँ आके कैसा लगा। मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा। वैसे तो एल चिको के रूफ टॉप का मज़ा ही सर्दियों में है, क्योंकि सर्दियों में रहती है धूप, और अगर आप धूप के साथ बैठ के ऐसा नज़ारा लें तो क्या बात है। खाने के साथ साथ इतना बढ़िया व्यू भी मिले तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। लेकिन सबसे ख़ास बात जो मुझे इस रेस्टोरेंट की लगी वो थी इसकी सीटिंग एरिया, जो कि काफ़ी स्पेशियस डिज़ाइन की गई थी, प्लस व्यू के साथ आपको मिलता है। सेकेंडली, सभी सीटिंग एरिया के ऊपर इस तरह से लाइट कम हीटर लगा हुआ था, जो कि मुझे नया कॉन्सेप्ट लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो इन हीटर की वजह से टेबल पे काफ़ी गर्माहट थी, सर्दियों में भी मतलब हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत सर्दी है, बहुत ही इंजॉय किया। तो ये वेजी वेज का इंटीरियर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया, और ये रेस्टोरेंट रूफ टॉप जो है वहाँ का इंटीरियर है वो भी बहुत ही सुंदर डिज़ाइन किया हुआ है। हम बारी आई खाने की, तो मैंने ऑर्डर किया था सूप, फ्रेंच फ्राइज, चिकन टिक्का और सिजलर। तो हमने ऑर्डर किया ये धुआँ फेंकता वेज सिजलर, जो कि बहुत ही यमी था और बहुत ही डिलिशियस था, बिल्कुल फ्रेश, सारी सब्जियां बिल्कुल ही क्रिस्पी और फ्रेश थी, और साथ में इन्होंने दी थी ये सॉस जो कि हम वेजीज के ऊपर डालने वाले थे। तो काफ़ी खाना जो कि चिकन या मैं नॉनवेज की बात करूँ तो बहुत फ्रेश था। तो मतलब अगर आपको खाना है तो आप यहाँ पे सिजलर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जिसमें काफ़ी वैरायटी है, नॉनवेज से लेके वेज से लेके पनीर सिजलर, बहुत सारा वैरायटी है। तो ये रही मेरी प्लेट, जिसमें कुछ पास्ता, कुछ सिजलर, कुछ बेक्ड बीन्स, और अब बारी आई टेस्टिंग की। तो मैंने यहाँ पे खाना टेस्ट किया जो कि काफ़ी मज़ेदार था, और मुझे बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे खाना टेस्ट करने में। तो मैं तो इस पूरे एम्बियंस से लेके, खाने से लेके, सेटअप से लेके सबको थम्स अप दूंगी। बहुत अच्छा इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन किया हुआ है, खाना भी बहुत क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा हो गया है। हाँ, थोड़ा सा रेट वाइज थोड़ा सा एक्सपेंसिव कर दिया गया है, क्योंकि इतना इंटीरियर में खर्चा किया तो खाना थोड़ा सा महंगा है, बट अदरवाइज इट्स गुड। फिर खींची हमने कुछ सेल्फीज़, क्योंकि मोमेंट्स तो हमें बनाने थे, तो हमने कुछ फैमिली फ़ोटोग्राफ्स, कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो सारी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हमने क्लिक करने के बाद हमने सोचा कि चलो अब नीचे बेकरी भी हम देख ही लें। तो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जब हमने क्लिक कर ली तो हम नीचे बेकरी की ओर गए। तो ये रही बेकरी जो कि द बेकिंग कंपनी है, और यहाँ का जो भी बेकिंग आइटम है वो बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही डिलिशियस होता है। केक्स की तो क्या बात करें, एक से एक केक्स थे।
तो हमने यहाँ पे कुछ स्वीट डिशेस ट्राई किए। आपको यहाँ पे मैक्रॉन्स भी मिलेगा जो कि इलाहाबाद में कहीं भी नहीं मिलता है, मतलब प्रयागराज में कहीं भी नहीं मिलता है। और ये है इनकी कुकीज़ की रेंज जो कि काफ़ी एक्जॉटिक और बहुत ही, मतलब ओट कुकीज से लेके चॉकलेट कुकीज सब कुछ। अवेलेबल है यहाँ पर। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे अगले व्लॉग में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय।